सर जी मारने के कोई विचार नहीं था, पर ही कर लिए कि ऐसे करेंट लगा देते हैं बस। पंद्रह मिनट करंट उसी ने लगाया सर, रंजीता देवी ने, बस थोड़ी मदद की थी सर। जी क्या नाम है आपका? रंजीता। बताइए ये मामला क्या हुआ, आपने जो हुआ हादसा आपके घर वाले के साथ, क्या हादसा हो पूरा? सर जी मेरा घर वाला दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, कमा के पैसा नहीं देता था हमको, कहीं कहीं काम करता था फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से बात आता था कि काम नहीं करता है, दारू पी के टल्ली हुआ है, रोड पर सोया है, कहीं दुकान में काम किया, दारू के दुकान में चोरी किया, वहाँ पे मेरे पास आता था, किसी को छत पर कूद के जाता था, वहाँ से कंप्लेन आता था जे जमान लड़की है मेरे पास, कुछ होगा तो आप लोग को छोड़ेंगे। फिर हम बहुत मजबूर थे सर जी, हम तीन तीन को बच्चा खाने वाला अकेला लेडीज कमाने वाला, हम कमा कमा के खाते थे, कमा कमा के किस्त भरते थे। गोपाल के साथ दूसरे जो आदमी है तुम्हारे साथ, उसके साथ कब से तुम्हारे रिलेशन है? रिलेशन सर जितना नहीं था, पहचान था, दो साल हम से मतलब कि साथ में रहते थे, एक बेरा में रहते थे, और हमको मजबूरी देख करके, परेशानी देख करके, बच्चे बीमार पड़ता था, खुद बीमार पड़ते थे, कभी राशन पानी घर में है नहीं है वो सब देखते, हालात सब कुछ देखते हुए कब हमको कनेक्ट हो गया से पता नहीं चला। उसको मारा किस तरीके से आप लोगों ने? सर जी मारने के कोई विचार नहीं था, वो कल बताइए दिवाली के दिन था, अपना बच्चों के साथ में लोग खुशियाँ मनाता है, मिठाइयाँ बांटता है, पूजा त्यौहार करता है, वो दारू पे करके आया था, मिला 5500 रुपया मिला, हमको बोला कि से मिला 2500 रुपया, 2500 रख लिया, 2000 रुपया दिया, 2000 रुपया में राशन लाए हम 1000 रुपया के, 1500 पूजा के सामान लाए, बच गया 500 रुपया बस। हम लड़ाई करने लग गया, लड़ाई करने लग गया, गोपाल के हम बोला आइएगा नहीं है पूजा के दिन है, तो बोला ठीक है आ रहे हैं, आया तो लगा लड़ाई करने के लिए, हाँ हाँ बोला लो अपना यार भतार के, बोला लो यार भतार के, हम बोले को तो मदद करता है उसको, क्यों ऐसे बोलते हो, हाँ वो तो इतना साथ देता है, मदद करता है, तुमसे वैसे तो ख्याल रखता है बच्चों के, हमको तो क्या करता है बताओ, जवान हो मारने के कोई विचार नहीं था, मारा था। तरीका लिए कि इसे करंट लगा देते हैं बस मर जाएगा। करंट किस किस ने लगाया? वैसे तो हम ही कोशिश किए थे गोपाल ने। हाँ जी। कितनी देर तक करंट लगाते रहे? 15 मिनट तक। 15 मिनट लगा? आपके बच्चे भी आपको पछतावा नहीं चीज का? बहुत पछतावा है। क्या नाम है? मेरा नाम सर गोपाल कुमार हुआ। ये जो तुम्हारे थाने में पर्चा दर्ज हुआ, क्या मामला क्या हुआ है? मामला सर मैं खाना खाने गया था, दिवाली वाला दिन था, मेरे को बुलाया गया कि आ जाओ खाना खा लो, और सर गलती हो गई है सर, मेरे कहने पे कुछ नहीं हुआ है सर, मेरे कहने से, मैं अपना मर्जी से सर कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किया हूँ सर। किया क्या मतलब, पूरा मामला कैसे किया, कैसे? सर करंट लग के हो गया सर। करंट किसने लगाया? करंट उसी ने लगाया सर, रंजीता देवी ने। आपने उसका सहयोग किया था? बस थोड़ी मदद की थी सर। उसकी मदद की थी? जी सर। ऊपर ले जाने में? जी सर। दारू पिया हुआ था कैसे तो? जी सर। दारू के नशे में कितनी देर तक करंट लगाया था सर? 15-20 मिनट तो हो गया होगा। करंट कहाँ लगाया? हाथ में लगा। आपके रिलेशन उसके साथ कब से हैं सर? मेरे रिलेशन सर ऐसे कुछ गलत रिलेशन नहीं है सर, बस वो अपना बच्चे का मजबूरी बहुत सताता था, इसके वजह से वो तंग हो गई थी, उसके लेकर के वो एक गलत काम उठा लिया सर। आपके साथ ही रहती थी है? नहीं सर, वो मैं उससे दो तीन किलोमीटर के दूरी पर रहता, मैं मेहरबान रहता हूँ, वो बोडा कुलन रहती थी। आप साथी से तो? नहीं सर। इस चीज का पछतावा नहीं आपको? बहुत पछतावा है सर, बहुत ज्यादा सर, मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता हूँ सर। मेरा बहन गया था। क्या बोला? बोला सुबह को उठा ना जब स्वच्छ के लिए, तो देखा रूम में कि नहीं है, तो ढूंढा उसको, विनोद जी को, मेरा भतीजा को, और ढूंढने नहीं मिला ना। उसके बाद जो है वो छत पे जाके देखा तो डेट पड़ा हुआ था, थक चुकी है डेट पे, मतलब ढूंढने के बाद नहीं दिखे नीचे ना हॉल में और रूम में, तो छत पर जाके देखा तो डेट पड़ी है, ट्रेन लगा हुआ है।
तार करंट पड़ा हुआ आपकी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग ये जी अपना दिवाली दी रात नू जिहड़े एक विनोद राम नाम दा बंदा सीगा उहदा कतल होया जी। सानू इंतलाह मिली जी बंदा विनोद राम दा बंदा जिहड़ा करंट लग के उहदी डैथ हो गई। गोपाल नाम दा बंदा साडे कोल आया, उहने इतलाह दित्ती ड्यूटी अफसर नू। ड्यूटी अफसर जदों उत्थे पहुंचिया उहने देखिया ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੋਰਮਲ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਈਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਰਾਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਦਾਰੂ ਪੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਪੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਕੂਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਮਨੋਜ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302/34 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਸਲੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ।